अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फैज हुसैन और आप देख रहे हैं वोए। जी बहनों और भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 3 हफ्तों से कहाँ लापता था। जैसा कि मैंने पता नहीं बताया था, कि मेरे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे। एक सेकेंड, मार्क्स दिखाना ज़रूरी है ना, मार्क्स खरीदा है भाई स्पेशल वाला। खैर, तो मैं 3 हफ्तों से कहाँ गायब था। मैं 3 हफ्तों से था अपने पेपर्स में बिजी, और जैसे जैसे पढ़ लिया चलता है। मैं हूँ 12th क्लास का और मैंने कॉमर्स ली थी, तो कॉमर्स के 3 हो गए, अभी एक बचा है, वो लॉकडाउन के बाद होगा। और भाई इसके अलावा मेरी वीडियोस को आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, मेल फीमेल बॉय जो भी एंड कल एंटी जो भी है, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आपने हमारे 3ों एपिसोड सीरीज़ को अच्छे से प्यार दिया, और जाहिर सी बात है जब जानवर लाएँ तो उसको काटते हुए नहीं दिखाया तो खाते हुए तो दिखाएंगे। अब बात ही आती है जी के बकरा ईद आई और जानवर कट गया, जानवर लिया, लेकिन बारबेक्यू वीडियो नहीं आया। बारबेक्यू नहीं करा तो भाई नहीं करा, क्योंकि पेपर कर रहे थे, लेकिन हमने कल कर लिया और उसकी वीडियो भी हमने बना ली। बारबेक्यू में जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ ये बात आती है कि भाई हमने वीडियो बनाई, अब वीडियो तो बना ली तो देखेगा कौन, देखें ठीक। इसमें मेन बात यह है कि हम बारबेक्यू तो कर रहे हैं, लेकिन भाई हमने फुल जो है ना, वो जो गाना नहीं चल रहा था यार हंस रहा है बारिश की, हमने बारिश भी करा दी। देख रहे हैं आप, फुल चिल माहौल। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने किस तरह अपनी मदद आप के तहत हम लोगों ने बारबेक्यू का इंतज़ाम करा बड़ी मुश्किलों से। और ये जो साहब आपको फ़ोन पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल अपने घर वालों से कह रहे थे, अम्मी बस 5 मिनट में, बस आधा घंटा आ रहा है, सैफ के साथ आओ। तो वह ऐसे ही अपनी अम्मी को टोपियाँ दे रहे थे। बात सारी है वैसे कासिम भाई, सॉरी अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया। और अब बात आती है हमारे सबसे सबसे अनोखे और मतलब स्वैग वाले बंदे का, फैजान। फैजान भाई के तो शशके ही ख़त्म नहीं हो रहे थे भाई, ब्लैक टी शर्ट और गले में चेन, बस काम ख़त्म। उन दोनों ने कुछ बनवाना तो था नहीं। सैफ भाई वो हैं जिन्होंने फर्स्ट व्लॉग में बिरयानी बनाई थी, तो निराश तो हमें कर ही नहीं सकते, निराश। इंडियन ड्रामे देख रहे हैं, निराश। तो जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कासिम सर। कासिम बताएं बारिश की सूरत हाल बताएं। बारिश की, बारिश बहुत मज़ेदार हो रही है और हम सारा सामान अंदर लिया, सेटअप अंदर लगा दिया हमने यहाँ पर। पीछे वाले को देख के आता था भाई, बंदा इतनी मुश्किलों से बना रहा है बारबेक्यू जिसकी कोई हद नहीं है। गए भी मशहूर जो पिछले ब्लॉग में भी आए थे और इस वक्त भी आए हैं फैजान भाई, ये रंग क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। अभी ये बताओ बारिश की क्या सूरत हाल और तुम्हारे भाई बोले बना रहे किस लिए? भाई अभी मौसम की हालत तो बड़ी ख़राब है, सबसे अफसर से बारिश हो रही है, हम बाहर टिकटे बना रहे थे, अब हमें अंदर लेके आना पड़ गया। सही है, तो अब वो कमरे के बाहर ही रखा हुआ है तो सारा धुआं अंदर भर गया, वो आँखों में बालों में सब धुआं धुआं, हर जगह बस बस धुआं धुआं धुआं। सही है। और अच्छा दूसरी बात ये, लोग ये पूछ रहे थे कि भाई वो जो आपने बिरयानी वाले ब्लॉग में डाले थे वो लोग आपके ब्लॉग में कम आते, तो ऐसा क्यों है, क्या आप लोग कम क्यों आते हैं? भाई जब ये असल में खिलाते ही नहीं है ना मैं अपने पैसों से, हमें जब खाने का मौका होता है, जब कोई महंगी चीज़ खाने आ रहा होता है तो साथ ही नहीं लेके आते हैं। ओके ये बात बिल्कुल सही कह रहा है बेटा,
देखो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप इसलिए बुलाते हो जब बिल्कुल कोई बे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ऐसा काम होता है आपको कितने गंदे लोग एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई बारबेक्यू की यादगार कोई बात हो तो ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा। इसके अलावा ब्लॉग का यही इख्तिताम करते हैं, अब जल्दी जल्दी ब्लॉग डालेंगे और मिलेंगे बहुत जल्द। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा शॉर्ट्स कैसा है, थोड़ी मेहनत करी थी भाई फिर हमारे। बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे शोर कर रहे हैं